इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें किसी ने अपने परिवार अपने माता पिता की बात ना सुनी और अंत में उन्हें उस चीज़ का भुगतान करना पड़ा। ये जो जिहादी वुड हमारे जो इंडिया में ये बॉलीवुड का जो नैरेटिव फैला रखा है, हर बार ये लोग अब्दुल चीचा को ही बराबर बताते हैं अपनी मूवी में, समझ रहे? अब्दुल छोटा बच्चा पैदा होता है ना, पहले अल्लाहू अकबर बोलना चालू कर देता है वो, समझा? और हमारा कोई बंदा बोलो करेगा कोई, मेरे को ये बताओ, ब्रेन वॉश होता तुम्हारा, तुमसे डोका दिले ना देवाने, सो तो ते वापरा तुमसे। हमारे खास करके जो हिंदू बहन बेटियां हैं, ये सबसे पहले उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये किस एक चीज़ मैंने जो नोटिस की, तीन लड़कियों में एक कैथलिक थी और दो हिंदू थी, उनको कैथलिक को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल पड़ा, लेकिन हिंदू लड़कियां बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उसमें बोला कि दिवाली आप मनाओगे तो उन्होंने बोला दिवाली बुढ़ापे हो जाएंगे तो मनाएंगे, ना उनको अपने कल्चर के बारे में पता था ना उनको अपने संस्कृति के बारे में पता है, तो इस तरीके से। और सबसे जल्दी अगर कोई कन्वर्जन हुआ, सबसे जल्दी उनके ट्रैप में कोई फंसी, तो दोनों हिंदू लड़कियां फंसी। और एक ख़ास करके बाकी कोई क्या संदेश मिला क्या, वो ठीक है, लेकिन अपने घर के बहन बेटियों को ये बताना और यह मूवी हर घर तक पहुँचाना ज़रूरी, हम सभी मैं तो बजरंग दल से हूँ और बाकी यहाँ जो भी युवा है, यह सभी के लिए ज़रूरी है कि हर घर के हर बेटी को ये बताना कि आपके पास, आपके स्कूल में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस, आपके समाज में, कहीं पर भी यदि इस प्रकार कोई भी मुस्लिम लड़की आपके बीच में आती है और अपने धर्म के प्रचार कर रही हो कर रही, आप उसी वक्त उसका विरोध करिए, और यदि आप नहीं कर पा रहे, आप उस लायक नहीं हो, तो तुरंत अपने बजरंग दल के आसपास जो भी कार्यकर्ता हों उनसे संपर्क करें, और अपने बड़े, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें किसी ने अपने परिवार अपने माता पिता की बात ना सुनी और अंत में उन्हें उस चीज़ का भुगतान करना पड़ा, तो अपने माता पिता की बात सुने, हर एक तकलीफ़ कुछ भी हो सबसे पहले अपने माता पिता के राय लें, उनसे बताएं, कोई भी मुश्किल हो कोई भी आपको परेशानी हो अपने माता पिता को बताओ के बारे में भी बात करो। और मैं भाई ये बोलना चाहता हूँ, ये जो जिहादी वुड हमारे जो इंडिया में ये बॉलीवुड का जो नैरेटिव फैला रखा है, हर बार ये लोग अब्दुल चीचा को ही बराबर बताते हैं अपनी मूवी में, समझ रहे? अब्दुल चीचा को ही हमेशा ये लोग अच्छा बताते। और मैंने केदारनाथ मूवी देखी थी, उसमें क्या था, क्या नाम है, अभी एक पंडित की लड़की रहती है, और वो जो रहता है सुशांत सिंह राजपूत में, उसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो हमारा भाई था, और वो इन जिहादी हरामखोरों ने मारा, इन जिहादी जो जिहादी बूढ़े इन्होंने ही मारा उनको। और वो लोग क्या बताते हैं, क्या पंडित की लड़की और ये जो मतलब मुस्लिम लड़का रहता है, इनका नैरेटिव बताता है, उसमें उन लोग ने पंडित लोग के बारे में गलत बताया, बराबर क्या बोलते हैं, पंडित लोग ही गलत रहते हैं, क्या अब्दुल को वो लड़की से मिलने नहीं देते, समझ रहे हो? तो इसमें भाई लोग अपने धर्म को थोड़ा विचारो, थोड़ा समझो, और अपने धर्म की जितने भी आजकल की जो ये मॉडर्न लड़की बनती है, जो क्लब में जाती है, जो चरस फूकती है, जो क्या करती है, फैशन करती है, अपने अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने धर्म के बारे में इन लोग को ज़रा सा भी ज्ञान नहीं होता है भाई, मैं ये बोलता हूँ। तो अपने धर्म को पहचानो, ताकि ये जो आज हमारी लड़की, हमारी जो बहन जो फंस रही है इन सब चीज़ के अंदर, वो आगे नहीं फंसे भाई, समझ रहे? मेरा बोलने का मतलब ये है भाई, अरे मैं बोल रहा हूँ, जितना हम हमारे धर्म को प्रमोट करेंगे, जितना हम हमारे धर्म को समझेंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा। अभी एक जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है ना, पहले अल्लाह अकबर बोलना चालू कर देता है वो, समझा? और हमारा कोई बंदा बोलो करेगा कोई, मेरे को ये बताओ, कोई बंदा नहीं बोलेगा, माँ बाप ने ज्ञान दिया ही नहीं उनको, समझे? और कोई बजरंग दल हो गया, आरएसएस हो गया, उनको बोलते हैं भाई ये दंगे फैलाने वाले, क्यों? उन लोग का वो इतना समझाते, उन लोग की बात समझ में नहीं आती क्या उन लोग को? हाँ, तो थोड़ा इस पर विचारो भाई, और थोड़ा काम करो उस पर, अपने धर्म को आगे रखो हर बार। और याद रखना, हमारे पतन का कारण होगा हमारा ज्ञान, यदि हमें हमारी संस्कृति हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है, बहन बेटियां ज़रूरी है, लेकिन आसपास ये जो लड़के खड़े और जो सुन रहे हो, हम लड़कों की जिम्मेदारी है हमारे घर की बहन बेटियों को अपने धर्म, अपने कल्चर, अपने लोगों से जोड़ने की, ताकि उन्हें अपनी संस्कृति से प्यार हो, ना कि किसी और संस्कृति से लगाव, क्योंकि दूसरे लोग उन्हें तब जोड़ पाते हैं क्योंकि हम उनसे अपने संस्कृति से उनको दूर कर रहे हैं। तो याद रखिए, उन्हें जोड़िए और अपने धर्म के बारे में खुले प्रचार करिए, शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ना जय श्री राम बोलने में, ना जय बजरंग बली बोलने में, यदि आप शर्म करते हो बोलने में, तभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। जय श्री राम। मी मराठीत बोले, माझं एवढंच म्हणणं आहे की तुम्ही हा जो मूवी काढला आहे बेस्ट आहे, तुम्ही ब्रेन वॉश होता
तुम्हाला तुमचं डोकं दिलंय ना देवाने, सो तो ते वापरा. तुमचा धर्म हा कधीही हायेस्टच असला पाहिजे. कोणीतरी येत आहे तुम्हाला सांगतंय, त्याचा इम्पॅक्ट तुमच्यावर होतोय आणि तुमचं इझिली ब्रेन वॉश होतं, याच्यात काय लॉजिक आहे? सो मला असं म्हणायचं की कोणत्याही रिलीजनचा तुम्ही अपमान नका करू, पण स्वतःच्या रिलीजनवर फेथ ठेवा, विश्वास ठेवा. आणि प्रत्येक घरामध्ये शिकवलं पण गेलं पाहिजे की तुम्ही तुमच्या धर्मावर, मग कोणतेही देव असू देत, श्रीराम असू देत, शिवजी असू देत, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, तुमचे इतिहास एवढा मोठा आहे तर तुम्ही का म्हणजे असे भरकटू नका, एवढंच सांगणार. आणि स्वतःच्या अशा प्रकारे अपील करा तुम्ही चित्रपट पाहण्यासाठी. चित्रपट एक नंबर आहे. आम्ही आमचा आज लिटरली आम्ही आज ही कॉलेजमध्ये गेलेलो, तरी हा मूवी बघण्यासाठी आम्ही इथे आलोय. सो थँक्यू. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. धर्मवीर संभाजी महाराज की जय.